स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष, बाय प्रोफेशन सिस्टम आर्किटेक्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में बहुत काम आता है, और जैसा आपने नाम सुना होगा एनक्रिप्शन, डिस्क एनक्रिप्शन। बेसिकली अगर सबसे पहले हम एनक्रिप्शन की बात करेंगे तो एनक्रिप्ट मतलब क्या होता है? एनक्रिप्ट मतलब कोई भी आपकी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने इस तरह से ढक दिया है ताकि कोई भी अननोन पर्सन जिसके पास अथॉरिटी नहीं है उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, वो उसको इंफॉर्मेशन को ग्रैप्स नहीं कर पाए। तो हमने उसको क्या कर दिया, एक प्रोटेक्ट कर दिया एक पर्टिकुलर लेयर के साथ, जिससे कोई भी उसको उस लेयर को नहीं तोड़ सकता और उसको डेटा इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकता। तो डिस्क इनक्रिप्शन की हम बात करते हैं, तो डिस्क एनक्रिप्शन मतलब आपके पास हार्ड डिस्क है, आपके पास पेन ड्राइव है, आपके पास ड्राइव्स हैं, आपने क्या किया उनके ऊपर एनक्रिप्शन लगा दिया जिसके अंदर के जितने भी कंटेंट थे, इंफॉर्मेशन थी, वो सारे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो डिस्क एनक्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्क एनक्रिप्शन क्या होता है बेसिकली, कि डिस्क एनक्रिप्शन एक टेक्नोलॉजी है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है आपकी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके किस तरह से अनरीडेबल कोड में, फॉर्मेट में, ताकि कोई भी उसको फर्ड नहीं कर सके। अनऑथोराइज पर्सन मतलब कोई भी अनऑथोराइज पर्सन जिसके पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जो उसको ऑथोराइज नहीं है यूज करने के लिए इंफॉर्मेशन को, डेटा को, तो उसको उस डेटा को डिस्क एनक्रिप्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं अनरीडेबल फॉर्मेट में, राइट। तो डिस्क एनक्रिप्शन यूजेस डिस्क एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ही सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, और हार्डवेयर टोकन भी हो सकते हैं ताकि आपकी जो डिस्क है वो प्रोटेक्ट हो सके, एनक्रिप्ट हो सके, राइट। डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए दो तरीके की टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो होती है, एक तो आप पूरी डिस्क को एनक्रिप्ट करो, या एक पर्टिकुलर होता है कि उसके अंदर जो वॉल्यूम्स बने होते हैं, ठीक है, उनको आप एनक्रिप्ट करो। तो दो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब इन डिस्क एनक्रिप्शन में बेसिकली जो पॉइंट आता है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक पॉइंट दिया है, आपको एक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी दी है इनबिल्ट ही, जो विंडोज 8 के, जिन विंडोज विस्टा के बाद से कंटिन्यू फेमस हुई है, जिसको बोलते हैं बिट लॉकर। आपने नाम सुना होगा बिट लॉकर के बारे में। तो बिट लॉकर क्या है, ये एक एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्या काम करती है बेसिकली, ये आपका जो वॉल्यूम है मतलब जो आपके हार्ड डिस्क है उसको एनक्रिप्ट कर देती है ताकि उसके अंदर जितना भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो आपके अनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रह सके और अनऑथोराइज पर्सन उसको डिसिफर नहीं कर सके, राइट। तो आप देख सकते हैं, इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट डेटा बाय प्रोवाइडिंग एनक्रिप्शन फॉर एंटायर वॉल्यूम्स, राइट, एंटायर वॉल्यूम्स। बाय डिफॉल्ट इट यूजेस द AES एनक्रिप्शन। बेसिकली अलग अलग एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होते हैं, लेकिन बिट लॉकर जो एनक्रिप्शन यूज करता है उसकी बात करता था, इट यूजेस द AES एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इन सिफर ब्लॉक चेनिंग। अब CBC आपने नाम तो बहुत सुना होगा, अगर अगर आपको थोड़ा सा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में पता है तो CBC सिफर ब्लॉक चेनिंग बेसिकली क्या है, हम अभी आगे डिस्कस करते हैं, और XPS मोड विद 128 बिट और 256 बिट। बेसिकली अलग अलग बिट्स की वैल्यू जैसे होती है, 128 बिट का एनक्रिप्शन आपने सुना होगा कि भैया इस वाले जो आपका डेटा है, इस ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस पे मैंने 128 बिट का प्रोटेक्शन एनक्रिप्शन लगा रखा है, 256 बिट की एनक्रिप्शन की लगा रखी है। तो वो सब क्या है अभी अपन डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं AES होता क्या है। AES होता है द एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। बेसिकली ये भी क्या है, एक तरह का आप बोल सकते हैं इसको एक प्रोटोकॉल, जिसमें क्या है, इसका ओरिजिनल नाम जो था रिजिंडेल था, जो कि कब बनाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए, किसके द्वारा, US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी इन 2001। तो इस तरह से बेसिकली AES क्या है, ये एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जो कि कौन यूज करता है, आपका बिट लॉकर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं CBC की। तो CBC क्या है, सिफर ब्लॉक चेनिंग इज अ मोड ऑफ ऑपरेशन फॉर ब्लॉक सिफर, मतलब आपके जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, उस पर हमने क्या किया, एक की लगा दी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक सिफर एनक्रिप्शन, और उसके बाद उस जो प्लेन टेक्स्ट है उसको आपको फॉरवर्ड हो गया आगे, मतलब ये क्या होता है, बिट वाइज में, या आप बोल सकते हैं ब्लॉक वाइज में एनक्रिप्शन की यूनिट को प्रिपेयर करता है। तो आप जैसे देख सकते हैं, सीबीसी इज अ मोड ऑफ ऑपरेशन फॉर अ ब्लॉक सिफर वन इन विच अ सीक्वेंस ऑफ बिट आर एनक्रिप्टेड, ठीक है, मैंने बताया सीक्वेंस ऑफ बिट, जितनी भी आपकी बिट्स होती है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, आइदर जीरो या फिर वन वैल्यू। तो ये क्या है बेसिकली, सीक्वेंस ऑफ बिट्स आर एनक्रिप्टेड एज अ सिंगल यूनिट, सारी बिट्स को कंट्रोल करके सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, और ब्लॉक ब्लॉक साइड में विद अ सिफर की अप्लाई टू द एनक्रिप्टर, और उस पूरे ब्लॉक को कवर करने के लिए एक की प्रोवाइड की जाती है जिसको बोलते हैं सिफर की। तो ये बेसिकली CVC में एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जो अपन यूज करते हैं बिट लॉकर में। इसके बाद हम बात करते हैं XTS की।
एक्सटीएस क्या है? एक्सटीएस बेसिकली है, जो भी आपने बात की थी सीबीसी में, तो उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है, न्यूएस्ट ब्लॉक सिफर मोड, एंड इज द सिफर मोड यूज बाय द डेटा ट्रेवलर। डेटा ट्रेवलर क्या है, आपने नाम सुना होगा, किंगस्टन जो पेन ड्राइव आती है, ठीक है, फ्लैश ड्राइव जो आती है, उसमें सबसे बेस्ट नाम जो है डेटा ट्रेवलर का आता है। और डेटा ट्रेवलर इज द नेम ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्लैश ड्राइव सोल्ड अंडर द किंगस्टन ब्रांड, ठीक है। तो जितनी भी आपकी ड्राइव्स में, आपका जो आपकी फ्लैश ड्राइव्स में होती है, तो उसमें डेटा ट्रेवल काफी नोन नेम है, ठीक है। डेटा ड्राइव बेसिकली क्या है, यूएसबी की तरह वर्कआउट करती है, लेकिन एक्सटीएस जो है, जो न्यूएस्ट ब्लॉक सिफर मोड है, ये किसमें यूज होता है, आपके डेटा ट्रेवलर 4000 G2 एंड डेटा ट्रेवलर वॉल्ट प्राइवेसी 3.0 में। इट वॉज डिजाइंड एज अ स्ट्रॉन्गर अल्टरनेटिव टू अदर अवेलेबल ब्लॉक साइफर मोड सच एज सीबीसी। तो जो आपके एडवांस मोड थे सीबीसी, उसके लिए आपका ये बेस्ट एक्सटीएस टेक्नोलॉजी, उसी तरीके की बेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज इसमें करते हैं बिट लॉकर में। अब बिट लॉकर की बात आती है कि बिट लॉकर काम कैसे करता है। तो बिट लॉकर को काम करने का तरीका सिंपल है इसमें, कि कैसे, कि जो आपकी जो बिट लॉकर क्या काम करता है, बिट लॉकर आपके लो लेवल डिवाइस ड्राइवर एनक्रिप्ट करता है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो उसकी फाइल्स हैं उसको आपको एनक्रिप्ट कर देता है वॉल्यूम लेवल पे, और इंटरेक्ट कराता है ताकि आपके जो वॉल्यूम लेवल के अंदर जो भी डेटा है वो एप्लीकेशन से इंटरेक्ट हो सके। तो बिट लॉगर यूजेस अ लो लेवल डिवाइस ड्राइवर टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट ऑल फाइल्स ऑपरेशन। ऑब्वियसली अगर एनक्रिप्ट करता है तो डिक्रिप्ट का भी इसमें ऑप्शन होता है, मेकिंग इंटरेक्शन विद द एनक्रिप्टेड वॉल्यूम। मैंने बताया आपको जो वॉल्यूम लेवल पे काम करता है, तो एनक्रिप्टेड वॉल्यूम ट्रांसपेरेंट टू एप्लीकेशन रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म पे जितनी भी एप्लीकेशन होती है उनके बीच में ट्रांसपेरेंट रहता है, ताकि वो इजीली उसको यूज कर सके। अगर आप डायग्राम से समझोगे तो डायग्राम में देखो, ये एक मेरा पूरा ब्लॉग बना हुआ है, राइट, वॉल्यूम है, इसके अंदर कीज है, कीज के अंदर आप देख सकते हो एनक्रिप्टेड कीज इन वॉल्यूम मेटा डेटा, जो जो डेटा होता है उसके अंदर, जो उसका मेटा डेटा होता है उसके अंदर एनक्रिप्टेड कीज होती है, और डेटा आपका अलग से सेपरेट एनक्रिप्टेड डेटा फॉर्मेट में रहता है। अब बिट लॉकर में क्या होता है, अलग अलग तरीके की काम करती है, आपने नाम भी सुना होगा टीपीएम, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली स्टोरेज रूट की होती है एसआर के, दूसरा वॉल्यूम मास्टर की होती है, तीसरा फुल वॉल्यूम एनक्रिप्शन की होती है, और फिर चौथे उसमें आपका प्लेन टेक्स्ट डेटा होता है। तो अब ये टीपीएम क्या होता है, वॉल्यूम मास्टर की क्या होती है, स्टोरेज रूट की क्या होती है, और एफवीई के क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज रूट की के बारे में। तो स्टोरेज रूट की क्या है, स्टोरेज रूट की इज अ पब्लिक की पेयर दैट इज अ मेन सीक्रेट इन साइड द टीपीएम। अब ये टीपीएम क्या है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल एक क्या, बहुत छोटी सी चिप आती है जो आपकी मदरबोर्ड के साथ होती है, जरूरी नहीं ये सारे सिस्टम्स में प्रोवाइड हो, तो जो सिस्टम इसके आपके प्रोवाइड इसमें होती है ये, ठीक है, उसमें ये प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। तो टीपीएम के बारे में जैसा आप देख सकते हैं, और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल इज अ माइक्रो चिप डिजाइन टू प्रोवाइड बेसिक सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शन primarily involving encryption key. The TPM is installed on the motherboard of a computer. जैसे मैंने आपको बताया motherboard जो होता है आपका computer का, उसमें install होती है, and it communicates with the rest of the system by using a hardware bus. जो bus होती है उसके साथ में जितने भी आपका system है उसके according इसके साथ communicate करती है। तो इसमें TPM में क्या होता है, आपकी storage root keys भी होती हैं। storage root keys क्या होती हैं, पब्लिक की पेयर होता है जिसके अंदर आपका सीक्रेट होता है, ठीक है, मेन सीक्रेट इनसाइड द टीपीएम चिप। इट इज ऑलवेज जनरेटेड बाय द चिप, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको मैनुअल कराते हो, ऑलरेडी जनरेटेड बाय वे चिप, एंड द प्राइवेट की कैन नॉट बी रीड और माइग्रेटेड, राइट। इन ऑर्डर टू यूज द एसआरके की विथ एनी ऑपरेशन द एसआरके पासवर्ड मस्ट बी सप्लाइड, एक पासवर्ड इसके साथ जनरेट होता है जो आपको देना पड़ता है, राइट। इसके बाद बात आती है आपकी वीएम के, वॉल्यूम मास्टर की। वॉल्यूम मास्टर की क्या होती है, 256 बिट की साइज में होती है, और ये आपके जो आपके एफ वी ई के वॉल्यूम होते हैं, फुल वॉल्यूम एनक्रिप्शन की होती है, एफ वी ई जो वॉल्यूम्स होते हैं उसके अंदर सेव होती है। द वी एम के इज स्टोर एनक्रिप्टेड विद आइदर द रिकवरी की, एक्सटर्नल की, और बाय द टीपीएम और द टीपीएम। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द वी एम के की इज स्टोर अन एनक्रिप्टेड। तो पॉसिबल है कि जो वॉल्यूम मास्टर की है जो 256 की बिट में साइज में होती है वो आपके एनक्रिप्टेड भी हो, ठीक है। अब इसमें हमने एक ऑप्शन रखा था कि FVE क्या होता है, फुल वॉल्यूम एनक्रिप्शन की। एनक्रिप्शन हमेशा मैंने आपको बताया दो तरीके के लेवल का होता है, एक होता है डिस्क एनक्रिप्शन और एक होता है वॉल्यूम एनक्रिप्शन। अगर आपने डिस्क एनक्रिप्शन किया तो वो पूरे की पूरी जो एंटायर ड्राइव है उसको प्रोटेक्ट करेगा, ऑब्वियसली उसके अंदर जो भी डेटा है
इंफॉर्मेशन है उसको तो सेव उसमें प्रोटेक्ट करता ही है, एनक्रिप्ट करता ही है। अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम एनक्रिप्शन की, तो अगर आपके हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में मल्टीपल वॉल्यूम्स है, तो FVE के क्या काम करता है, आपके वॉल्यूम लेवल पे काम करता है, राइट। और अगर पूरे हार्ड डिस्क में, पूरी जो आपकी ड्राइव है उसमें एक सिंगल वॉल्यूम है, तो हाँ ऑब्वियसली वो फिर पूरे डिस्क के लिए प्रोटेक्ट करेगा। तो ये आपका कुछ टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजी थी, जो इसमें आपके डिफाइन करते हैं कि आपके बिटलॉगर किस हिसाब से काम करता है। अब बिटलॉगर को आप किस तरह से विंडोज 10 में और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे लगाते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। राइट, ये मेरा विंडोज सर्वर है, मैं इसका वर्जन देख लेता हूँ, विनवर करके, विंडोज सर्वर 2022। इसमें अगर मेरे को बिट लॉकर ऑन करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं वही सर्वर मैनेजर में जाऊंगा, क्योंकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी चीज अगर फीचर मेरे को इसमें इंप्लीमेंट करना है तो मेरे को सर्वर मैनेजर में जाके करना पड़ेगा। सर्वर मैनेजर में गया, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो मैंने इसमें ड्राइव्स बना रखी है, आप देख सकते हो, तो मैंने अलग अलग तरीके की इसमें इसमें बहुत सारी ड्राइव्स मैंने बना रखी है। जैसे मैं गया दिस पीसी में, तो ये देखिए बहुत सारी ड्राइव है। मैं ई ड्राइव को जो है, एक सेपरेट ड्राइव है, उसके ऊपर ये प्रोटेक्शन लगाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जैसे मेरा हो गया ओपन, ऐड रोल्स एंड फीचर में जाऊंगा, यहाँ पे वही इंस्टॉल टाइप सर्वर सिलेक्शन और फीचर्स पे आ जाऊंगा। यहाँ पे जो फीचर्स में, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, देखिए, बिट लॉगर ड्राइव एनक्रिप्शन, बिट लॉगर नेटवर्क अनलॉक क्या होता है वो बात की बात है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बिट लॉगर ड्राइव एनक्रिप्शन इसको सेलेक्ट कर दूंगा, जस्ट ऐड फीचर जो भी है मांग रहा है, जस्ट नेक्स्ट एंड रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर इफ रिक्वायर्ड। बेस्ट ये रहता है जब भी आप कोई नया सर्वर प्रिपेयर करते हो, आप पहले से ही डिफाइन कर लेते हो कि हाँ इस सर्वर के ऊपर हम बिट लॉकर लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है बिट लॉकर जब आप लगाते हो तो उस वो अंदर के डेटा को भी एनक्रिप्ट करता है, और अगर वो ड्राइव सपोज करो ऑलरेडी भरी हुई है तो बिट लॉकर टाइम ज्यादा लगाएगा आपके पूरे डेटा को एनक्रिप्ट करने में। तो बेस्ट ये रहता है कि पहले एक डिस्क ड्राइव जो होती है वो पूरी की पूरी प्रोटेक्ट कर दी जाए और उसके बाद उसमें डेटा डाला, इंसर्ट किया जाए। अभी जस्ट मैं इंसर्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, जब तक अपन क्लाइंट जो विंडोज 10 है उस पर भी जाके चेक करता है कि वहां पे कैसे इनेबल होता है। ये मेरा क्लाइंट विंडोज 10 है नॉर्मल, आप अपने विंडोज 10 जो है उस पर भी ये इनेबल कर सकते हो। अब यहां पे मेरे को क्या करना है, यहां पे मैं बस केवल विंडोज की दबाऊंगा और यहां पे लिखूंगा बिट लॉकर, तो यहां पे देखिए आ जाएगा मैनेज बिट लॉकर, इसको क्लिक कर दूंगा। ये यहां पे देखिए सारा का सारा इसमें बता दिया कि कौन सा, क्योंकि ओपन करता हूं, ऑलराइट। तो ये देखो डिस्क वन, डिस्क ई ड्राइव भी है, तो ई ड्राइव के अंदर मैं यहां पे इसके ऊपर लगा सकता हूं ये, अच्छा ओके। तो इसमें ई ड्राइव के ऊपर जैसे देखो टर्न ऑन बिट लॉकर, तो यहां पे जैसे मैं इस पे करता हूं टर्न ऑन बिट लॉकर, ये पासवर्ड पूछेगा कि आप कहां पे पासवर्ड, जो आपको बताया था मैंने आपको पासवर्ड देना पड़ता है एक्सेस उसके लिए, ठीक है। तो पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे मैंने क्लिक कर दिया एंटर योर पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो, ऑलराइट। एक स्मार्ट कार्ड भी आता है बेसिकली एनक्रिप्शन के लिए, ठीक है, और वो डिक्रिप्शन के लिए। तो स्मार्ट कार्ड अगर आपके पास है, आप हार्डवेयर टोकन के उस पर काम करते हैं, देन आप उसको सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट वन करके जस्ट नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए वो बोल रहा है कि आप जो की है, रिकवरी की है, वो कहां रखना चाहते हैं, सेव रखना चाहते हैं, कहीं रख के प्रिंट देना चाहते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि आपने उसके अकाउंट से सिंक कर लें, अगर आप पर्टिकुलर नेक्स्ट लोकेशन पर डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, सेव टू अ फाइल, और जहां पे भी आपको सेव करानी है। एक लोकेशन दे दी आपने नेटवर्क एनएस पे, नेस पे, ठीक है, या सैन पे, जस्ट सेव करा दिया, जस्ट नेक्स्ट। अब ये दो तरह के ऑप्शन पूछता है कि आप अपने ड्राइव को किस तरह से एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, एनक्रिप्ट यूज डिस्क स्पेस ओनली, मतलब जितना भी यूज हो रखा है अभी, ठीक है, इस डिस्क पे उसी के उसी को एनक्रिप्ट करे उस पे, या फिर पूरी ड्राइव को, ठीक है। तो आप बेस्ट यही होता है कि आप एनक्रिप्ट ड्राइव को कर लो, ताकि एक बार वन टाइम आपका होता है पूरा, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, जस्ट नेक्स्ट। यहां पे दो तरह के ऑप्शन आता है, पहला होता है एनक्रिप्शन मोड नॉर्मल, जो आपकी हार्ड डिस्क इसमें ऑलरेडी अटैच हो रखी है, जिसको आप कभी भी कैरी करके या दूसरी लोकेशन पे नहीं लेके जाना, ठीक है, या आप बोल सकते हैं किसी दूसरे डिवाइस में नहीं लगाना, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अदरवाइज बेस्ट ये होता है जितनी भी हार्ड डिस्क जो SSD डिस्क होती है, ठीक है, प्लगेबल डिवाइसेज होती है, उनको आप निकाल लेते हो और दूसरी जगह ले जाकर यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आप कंपेटेबल मोड यूज करते हो, जस्ट नेक्स्ट एंड देन स्टार्ट एनक्रिप्टिंग।
ये देखिए स्टार्ट हो गया। जब तक अपन सर्वर के पास चलते हैं वहां पे, सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है, जैसे कि मैंने उसमें क्या ऑप्शन लगाया था कि रिस्टार्ट द सर्वर इफ रिक्वायर्ड। तो जब बिट लॉगर ऑन होता है तो वो सर्वर साइड प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को एक बार रिबूट करने के लिए बोलता है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली रिबूट हो गया इस समय। ये देखिए वर्किंग ऑन फीचर्स पे आया, क्योंकि अपन ने फीचर था बिट लॉकर का वो अपने इनेबल किया था। विंडोज 10 पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, विंडोज 10 में जैसे ही आप बिट लॉकर लिखेंगे विंडोज की दबा करके वो यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इसका जो फीचर है बिट लॉकर का वो आपको इनेबल करना पड़ता है। जब तक ये लॉगिन होता है तब तक अपन विंडोज 10 पे देखते हैं। विंडोज 10 पे देखिए एनक्रिप्शन ऑफ ई इज कंप्लीट, जस्ट मैंने क्लोज कर दिया। ऑल राइट, अब यहाँ पे और भी ऑप्शन आता है। अगर आपके टीपीएम है, मैंने जैसे बताया था मदरबोर्ड में एक चिप होती है, अगर वो आपके सपोर्ट करती है तो यहाँ पे आप टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के भी कर सकते हैं। फीचर्स देखिए, एक बार बिट लॉकर का फीचर इनेबल होने पे भी सर्वर पे भी वैसा ही काम करेगा जैसे इस पे विंडोज 10 पे कर रहा है। तो सेम प्रोसीजर जैसा विंडोज 10 पे मैंने किया है, सेम आपका उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा सर्वर साइड में। तो अभी मैंने टीपीएम एडमिनिस्ट्रेशन में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करता हूँ। देखिए इस तरह से होता है, यहाँ पे आपका अगर कोई भी होगा तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। बट अभी जैसे टीपीएम का इसमें कोई कंपेटिबल नहीं है, तो इसमें लिखा हुआ है कंपेटिबल टीपीएम कैन नॉट बी फाउंड। ऑलराइट, कंपेटिबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल कैन नॉट बी फाउंड ऑन दिस कंप्यूटर, वेरीफाई दैट दिस कंप्यूटर हैज अ 1.2 टीपीएम और लेटर एंड इट इज टर्न ऑन द इन द बायोस। तो टीपीएम आपको बायोस के अंदर से जाकर के भी आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, देखिए अगर मैं ड्राइव ओपन करके देखता हूँ जो मेरी ई ड्राइव थी, ये देखिए यहाँ पे पहले लॉक नहीं था, अब लॉक बना हुआ आ रहा है। अभी फिलहाल ये ओपन है क्योंकि ये इसमें वर्क कर रही है। लेकिन अगर मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, रीस्टार्ट करने के बाद ये मेरी जो ड्राइव है वो बंद हो जाएगी, और उसको ओपन करने के लिए मेरे को की को यूज करना पड़ेगा या फिर पासवर्ड देना पड़ेगा जो कि मैंने प्रोवाइड कराया था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो मैं क्या करता हूँ, टेस्टिंग के लिए इसको एक बार रीस्टार्ट करके देखता हूँ। जब तक विंडोज 10 मेरा रिस्टार्ट हो गया था, तब तक अपन एक बार वापस सर्वर पे देखते हैं। और सर्वर पे देखिए ये इंस्टॉलेशन अभी चल रहा था, ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हो जाएगा और देन फिर हम इसको विंडो जो बिट लॉकर वाले जो टूल है उसको हम यूज करके देख सकेंगे, सेम एज जैसा अपन ने विंडोज 10 पे किया था। इंस्टॉलेशन सक्सीडेड हो गया, जस्ट क्लोज कर देंगे। अब सेम वैसा ही जैसा अपन ने विंडोज 10 में किया था, विंडोज की दवाई और यहाँ पे लिख दिया बिट लॉकर। आगे यहाँ पे देखिए मैनेज बिट लॉकर, इस पे जस्ट क्लिक कर दिया मैंने, ये देखिए ओपन। सेम वैसा ही हुआ है जैसे अपने विंडोज 10 में किया था। आप अब ई ड्राइव को, एक पर्टिकुलर जो ड्राइव है, आपको टर्न ऑन बिट लॉकर, सेम वही चीज सी पे करना है तो सी पे आप अपने अकॉर्डिंग मतलब सेट कर सकते हैं। तो सेम फीचर जैसा आपने यहाँ विंडोज 10 क्लिक किया था, सेम वैसा ही सेटअप इस पे भी होगा। यूज द पासवर्ड सेम वही जो आप देना चाहते हो, राइट, जस्ट नेक्स्ट। उप्स, नेक्स्ट। ऑल राइट, वही सेव फाइल या फिर प्रिंट करना चाहते हो या आपके अकाउंट से एक्टिवेट करना चाहते हो, अपने अकाउंट पे डालना चाहते हो, जो भी है आप उसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी अपन वापस चलते हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जस्ट इस पे ओपन किया मैंने ड्राइव को, मेरे को देखना है कि ड्राइव में क्या चीज इनेबल हुई है और किस हिसाब से वो बिट लॉगर काम करता है। अब देखिए मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ जहाँ पे मेरी डिस्क है, राइट, या वॉल्यूम है। ये देखिए यहाँ पे आपका लॉक बना हुआ आ रहा है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये ओपन नहीं होगा, ये की आपके मांगेगा जो आपने पासवर्ड दिया था। सपोज करो आपने जो पासवर्ड दिया था वो आप भूल जाते हो, ठीक है, आपको याद नहीं है, तो भी इसमें ऑप्शन आता है, मोर ऑप्शन पे जाओगे आप और यहाँ पे एंटर रिकवरी की करोगे। एंटर रिकवरी की में क्या होता है, जो आपने की आपने सेव करके रखी थी उसमें आपके 48 डिजिट रिकवरी की होती है जो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो मैंने जहाँ पे वो सेव कर रखी थी, फॉर एग्जाम्पल ये री, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे देखिए रिकवरी की ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। जस्ट कॉपी और फिर उसके बाद जस्ट मैंने उसको
रिकवरी की और पेस्ट कर दिया एंड जस्ट अनलॉक। ड्राइव देखो ओपन हो गई है, ओपन फोल्डर इस तरह। तो इस तरह से आप बिट लॉकर को अपने विंडोज 10 पीसी पे या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी अनऑथोराइज पर्सन आपके डेटा को चुरा ना सके। तो आज की वीडियो में एक नॉर्मल बिट लॉकर के हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।